आज रुक्मणी अपने घुटनों में सर को छुपा करके भगवान श्याम सुंदर का नाम ले लेके फपक फपक के रोने लगी। कैसे रो रही है वो दुखिया? ओ मुरली बाले श्याम, तो तेरी दासी रही बुलाई रे। कन्हैया ओ मुरली बाले श्याम, तो जा दुखिया रही बुलाई रे। मैंने 11 साल दे श्याम अरे जन तुम ते प्रीत लगाई रे। कन्हैया ले जा मुझे मेरे श्याम, ले जा मुझे, मैं तुम्हारे बिना और किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी, ले जाओ ना। मेरा बबुला बूढ़ो भा मेरे बिरना दबे सनाई जाई रे। आज कर मोहन की याद रुक मिली गया कमला गाए शेरन आई बनी में घेरी दुलकने लगी। एक दिन कपिला गाय शेरन आई बनी में घेरी, अब तैसे दीना नाथ दिशा भाई मेरी। कन्हैया कैसे बुला रही है? ओरे मुरली वाले छेल भरोसो बुही मोए भारी है। ओरे मुरली वाले रसिया भरोसो बुही मोए भारी है। बुही मोए भारी है, भरोसो बुही मोए भारी है। आज मोहन को लेके
भगवान साथियों, रुकुम जब चला गया है तो रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के दुख में बिलखने लगी। वहीं पर एक पलंग पड़ा हुआ था, जब रुक्मिणी वहीं पर पलंग पड़ा है और उस पलंग के गिर पे सो जाती है गिर के, लेकिन जानते हो भगवान का नाम लेके जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भगवान का कन्हैया उसके गले का हार बन जाते हैं। क्या हुआ लोगों, जब रुक्मिणी सो गई, हाँ, भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रेम की हिरणिया को सपनों देने लगे। सपनों का सपनों दे रहे, सुनो। सपन रुक्मिणी को भयो, कृष्ण ने दो तो दरस दिखलाई। क्या हुआ, अरे दुपटा झटकी जगाए रे के कह रहे समझाई। दुपट्टा झटकी दो, दुपट्टा का बोले सुनो। सुनिए ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी। हम पल में तेरी पी रहा रूंगो सारी। रुक्मिणी को सपने में भगवान ने गोदी में बैठा लो और जो भगवान को रूप देखो है, हाँ यार, रुक्मिणी चकोर बन गई, चकोर टकटकी लगा के देखने लगी और भगवान बड़े अलमी के लगा, तुम बहुत मलू के लग रहे हैं, चौड़ो माथो, घुंघराले बाल, आंखें तो इतनी रसीली हैं, हिरणिया शर्मा के भज जाए, नाक तो इतनी अच्छी है हाथ तोता उड़ जाए, दांत इतने सुंदर चमकीले हैं बिजली शर्मा जाए, ओठ कछु मत पूछो संतरा कैसी खांपे हैं। इस्लाम के मानंद है लत मेरे घनश्याम की, वो काफिर है जो मानता नहीं इस्लाम को। लाम के मानंद है लट मेरे घनश्याम की और वो काफिर है तो मानता नहीं इस्लाम को, याद रहे। सुनिए ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मारी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। हम पल में तेरी पी रहा लूंगो सारी, हम पल में तेरी पी रहा लूंगो सारी। रुक्मिणी को गोदी में ले, भगवान श्याम सुंदर की ओठन पर रुक्मिणी ने अपनी उंगलियां रख दी कन्हैया। भगवान कहने लगे घबराओ नहीं हम तेरी एक पल में पीर हर लेंगे, अगर तू मुझे दिल से प्यार करती है तो तुझे दुनिया में कोई ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ। रुक्मिणी कहने लगी महाराज कब ले चलो, अभी ले चलो, अभी बिना जानती के सपन हो रहो, बे जानती जो कुछ हो सब सही हो रहो। भगवान बोले नहीं, अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, और यार दगादार हो से यार की ऐसी तैसी। पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, यार दगादार हो से यार की ऐसी तैसी। गोदी में बिठाल के श्याम ऐसे कान लगे, सुनो सुनो घबराओ नहीं। गोदी में बिठाल के श्याम ऐसे कहन लगे, कोई कैसे ले जा शिशुपाल की ऐसी तैसी, कोई कैसे ले जा शिशुपाल की ऐसी तैसी, यार बगादार हो से यार की ऐसी तैसी। जीतन में मस्त भाव, प्रभु को भूल के जो जीतन में मस्त भाव, प्रभु को भूल के जो जीतन में मस्त भाव, गति कैसे हो आधार की ऐसी तैसी, गति कैसे हो आधार की ऐसी तैसी, यार दगादार हो से यार की ऐसी तैसी। प्रभु बिन चेतना चित्त को,
ঠর কি না বাই কলা ঠর কি আর জগাদার करो मुसर तौर से ऐसी जैसी भजन ना करो मुसर तौर से ऐसी जैसी यार जगादार हो यार चिंता मत करो रानी अगर तुम मुझे प्यार करती हो दुनिया में तुम्हें कोई ले जाने वाला नहीं। रुक्मिणी कहने लगी महाराज अभी ले चलो मेरा भैया मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है वो अपनी साले की मुझे दुल्हन बनाना चाहता है तुम ही बताओ मैं उसके साले की दुल्हन कैसे बन जाऊंगी मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। भगवान कहने लगे सुनो सपने बातें हो रही सपने में भगवान कहने लगे जब तेरे भैया के साले की बारात आ जाए तो तुम एक काम करना। रुक्मिणी कहने लगी मैं क्या करूंगी मैं तो प्रकृति पक्षी की तरह तड़प रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान बोले सुनो रुक मेरे से कह रहे कृष्ण उरी माती तू घबरा रही रुक मेरे से कह रहे कृष्ण माती घबरा रही है खत लिख दिए कुतू दोहर का को भेजवाइए एक चिट्ठी लिख करके हमारे पास भेज देना हम यादों की सौदे लेकर के तुझे ले जाएंगे 56 करोड़ आई है 56 करोड़। महाराज रुक्मिणी से वो करते बयान ओ इतनी कह के यादव दी झट हुई है अंतर्धान सपनों देखे ठाकुरानी को ठाकुर वहां पे रमियो सपनों देखे अज बुलहिन को जूदा वहां पे रमियो सपनों देखे अज बुलहिन को राजा वहां पे रमियो सपन देखी अज सजनी को के सजना वहते भगवान श्याम सुंदर इतनी कह के अंतर ध्यान हो गए और बंधुओं एकदम से रुक्मिणी की नींद खुली श्याम लेकिन चारों तरफ देखने लगी कहीं कन्हैया नहीं कहां चले गए तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए अरे सौत नंदिया तू भी मेरी आंखों से चली गई तूने मेरे श्याम को भी कहीं छुपा दिया तुझे मेरा स्वाग अच्छा नहीं लगा निदिया तू फिर आ जा मैं फिर से सोई जाती हूँ तो मेरे प्रिया फिर मेरे पास आ जाएंगे। हाय खटिया पे गिर पर यो आंखें मुनन लगी नींद ना आए अब सपने पे खींचन लगी अरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना सपने से कहा बोली रुक्मिणी सपनों तो मरबाई है मेरे करो कलेजा झेको सोवत में हम दुई जने और जब जागी तब अरे सपना मैं सो रही थी तो मेरे हृदय के राजा मुझे अपनी बाहों में लिए थे लेकिन मैं जब जगी तो मैं अकेली रह गई। सपनों कोने में तक कान लगो रही मुझे मरवाए सपनों कहे पुकार के और क्यों मरवाई है मोई बहुत दूर तेरे पिया बसो मैंने रात मिलाए दो हमें मरवाएगी 750 कोस दौरे का है और वहां से तेरे श्याम से मैंने मुलाकात करवा दी और तुम मोए मारवे को तैयार है मेरे भगवत प्रेमियों। उसी वक्त रुक्मिणी बिल बिलाए बिल खाए कहां गए हाय मेरे गिरधारी और महलन में ढूंढत फिरे रुक्मिणी प्यारी डाटे डटे न रोज चले न खोज सो हुए भारी और मोहन 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 कह के किलकारी चारों तरफ ढूंढ रही है अरे कबहू देखे यो खा मोहा तुम्हें कोई ढूंढ तू
थोरी उम्र की थोरी गोरी 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 उम्र की थोरी गोरी गोरी उम्र की थोरी उम्र की थोरी गोरी 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 उम्र की थोरी अपने आंगन और चली गई नौजवान साथियों, आज रुक्मिणी पागलों की तरह से भगवान कन्हैया को नाम ले लेके सिसक रही है। इधर क्या हुआ, इधर रुक्मिणी की सहेलियां बगिया में बैठी है, कान लगी ओरी बहन आए इतना टाइम हो गयो और अभे रुक्मिणी ना आई। दूसरी कान लगी बहन और राजा की बिटिया है, सुबह बड़ो घमंड है, तासो नहीं आई। एकदम से एक लड़की कान लगी बहन आई, ऐसी बातें मत करो, बातो लेस मात्र को घमंड ना है। और तौल और रुक्मिणी लड़खड़ाते भई आएगी, एक लड़की कान लगी ओरी बहन आए गई कहां, देखो ना दूसरी कान लगी आए तो गई लेकिन चाल में गड़बड़ी लग रही है। तीसरी लड़की ने कहा गड़बड़ी क्या लग रही है, हो सके तो अपने पिया को सपने में देख लो हो तो उनके बिरह में रोती नहीं। चौथी लड़की ने कहा अरे मुंह क्यों नहीं देख रही है, बेना जाकी क्या दशा कहूं जो प्रेम बिरह की मारी है, जक मुखसों आग बरस रही है आंखें ते आंसू जारी है। मुख से आग बरस रही है आंखें ते आंसू जारी है। देखो बहना क्या दशा है, एकदम से लड़कियां सब आगे बढ़ गईं, रुक्मिणी को चारों तरफ से घेर लियो, कोई दबावे चरण कोई समझावे और नाक में मेरी बहन मरी मत जावे, मेरी बहन बता दे दिल अपने को हाल कैसो बिगड़ो ढंग तन को कीनो रंजमलाल, कहा बात है गुइया आ तुम्हारा चेहरा कैसे उतर गयो। एक लड़की कान लगी क्यों सपने में तो ना ही देखा दाखी हो आई है। दूसरी कान लगी काय को रोए रही हो, हमारो मो मीठो कराओ सपने में देखे हैं श्याम। दूसरी कान लगी मरी काय को जाती हो, कछु दिन बाद फेरे हुए हैं हम नाच गाय के अलग हो जाए तुम नकी हो बे तेरे हुए। रुक्मिणी कान लगी बहना अब तुम्हारा मुँह मीठो ना होगा, अब तुम्हारा मुँह सीटो होगा, क्यों मेरी शादी अब श्याम सुंदर के साथ में नहीं होगी, क्यों का बोली है रोए के सुनो गुइया
अरे मेरे दिल की सुनो सहेली। रोए के बोली रुक्मणी अपनी सखियों से बहना, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेरी। बहना मेरे लिए मेरे भैया ने दूल्हा चंदेरी को राजा सचकाल ढूंढो है। और मैं जहारी के गले में सेली, और मैं बन कर में फेरूंगी अकेली। बहना मैं जोगिन बन जाऊंगी, अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर ले भाग जाऊंगी। अपने राजा की जुगनिया बन जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी। जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे। सुनो बहना मैं तो जहर खाए के मर जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी। अपने राजा की जुगनिया बन जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी। अपने और रुक मेरे लली ने हृदय में पालो, मुई मथुरा को हाय नंद किशोर। और सुन ले बहना, सुनो बहना प्यारे तुम्हारी छवि छटा, और हो तो नहीं मेरे चैन जिया पे। बंसी बजावत में निहार सभी से नई तलबेल जिया पे। मेरी भूखा प्यास हराम हुई, और धीरज ऊन हमारो थिया पे। चलाए गए आधार न कोई मिले कब हूँ पुलिया पे। बहना मैं जोगिन बन जाऊंगी, और बिना श्याम के किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। अंदाजा लगाना लोगो, अब सखियाओं की सबकी घिग्गी बंद हो गई कि तेरो भैया तेरी शादी अपने साले के साथ में करो चाहतो, जा से ज्यादा अन्याय और कहा होगो। भैया रुक्मिणी कहा बोली, भगवान को दुख तो व्यापियो, अपने पे और बिराने पर। अरे बद्र टूटे वृंदावन पे, बिजली टूटे बरसाने पर। क्या किस्मत है मेरी, आधार प्रीत की रीत देख के अकल तो दंग हमारी है। भगवान के दुख में रोन लगी, बगिया में रुक्मिणी प्यारी है। इधर रुक्मिणी सिसक रही है लोगों, और इधर रुक्मिणी के भैया रुक्मिणी अपने साले शिशुपाल के लिए
टीका भेजा है टीका। पन्ने तो नाई को बुला लिया, लंबे से थान में 1100 गिन्निया गिन के रख दी, असरपियों का ढेर लगा दिया और एक चिट्ठी लिखने लगा है अपने साले शिषपाल के लिए। रुकू, क्या लिख रहा है चिट्ठिया में? मेरे पास नहीं, एक बहना में दे और शरण तो मारी। और चिट्ठी में रुकम लिख रहा है, तुम दूलावन जा मथुरा को आए हैं बने बारी। अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी के उल्टा पैधारी। चिट्ठी लिख रही है कि अभी तक तो मैं तुम्हारा बहन हुई था, मगर अब हम तुम्हें अपनी बहन दे रहे हैं, लेकिन जब बारात लेके आओ तो लड़ाकू जवानों को लेके आना, क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर के आने की संभावना है। और यह चिट्ठी पंडित को दे दी, पंडित नाई जिस समय चलते हैं कुंदनपुर से जब जब चंदेरी में पहुंचे तो शिषपाल की कचहरी लगी है, जब बड़े बड़े शेर थोड़ी से ढाल कोड़ा बैठे। शिषपाल पूछने लगा पंडित नाई को, ये लंबे थाल वाले तुम लोग कहां के हो? तो पंडित जी कहने लगे, मैं कहूं सभा के बीच सुनो तुम ए जी, और कुंदनपुर से रुकम लगुंदा के भेजी, महाराज कृपा कर लीजिए इसे चढ़ाए, और पल पल होते अबेर बरसो पलक बराबर जाए, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन का टीका आपके लिए भेजा है। शिषपाल कहने लगा, मेरे बहनोई ने? हाँ बा भाई भगवान मेरे जैसे बहनोई सबके हों। अरे मेरी मुंह की तरफ क्या तक रहे हो, पंडित नाई के लिए नाश्ता ले आओ। नाश्ता आएगो। दोनों नाश्ता करने लगे पंडित और नाई, और मंत्री की तरफ देख करके शिषपाल कहने लगा, मगर तुम नहीं हंसे हो, तुम्हें खुशी नहीं है क्या मेरी शादी की? तो मंत्री कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहन है, तो बहन की नंद तुम्हारे लिए देवी हुई, और तुम बहन की नंद के साथ शादी करने को जा रहे हो। शिषपाल कहने लगा, बको मत, ऐसी नंदें देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। एकदम से मंत्री कहने लगा, जिस पंडित नाई को तुम इस तरह नाश्ता करा रहे हो, ये सबसे ज्यादा तुम्हारी बदनामी करेंगे। तो क्या करें? मंत्री कहने लगा, हम तुम्हें एक अकल बता दें। क्या? पंडित नाई को जल्दी राजा सीसौआ दे उतारो। पंडित नाई को जल्दी सीसु उतारो, पालन अपने हाथन लियो दुधारो। महाराज एकदम तेगा दियो चलाए, पंडित नाई मार दो धरती में दिए गिराए। पंत
जो पंडित नाई मरे सभा में भवर परियो है, जब पंडित नाई मरे सभा में भवर परियो है, जब पंडित नाई मरे सभा में लहलका मनियो है। पंडित नाई को खत्म कर दिया शिशुपाल, और जो चिट्ठी पड़ी है जिसमें लिखा था भगवान श्याम सुंदर के आने की संभावना है, अरे बाप रे बाप, हाथ से चिट्ठी छूट के नीचे गिर पड़ी, पुनः उठा ली। जिस चिट्ठी में देवठान की शादी निश्चित हुई थी, देवठान का ध्यान दिया तो 15 दिन बाकी थे। शिशुपाल सोचने लगा हम 15 दिन पहले से जाकर के कुंदनपुर को घेर लेंगे, भगवान का उसके फरिश्ते भी अंदर नहीं जा सकते। और फौरन अपने भैया दंत बक्र से कहने लगा कि बहुत जल्दी फौजें सजा ले, अंदाजा लगाना। ओ दंत बक्र सज गाओ रे ना शंका जाके मन में, सज गयो न शंका मन में, जाको तो दो बरदान अटल शंकर में। महाराज भूपेश फौजे रहो सजाए, अपनो तो दूल्हा बनबे को आंगन में पहुंचो जाए। अब शिशुपाल दूल्हा बनबे को आंगन में पहुंचो, भाभी से बोलो ओरी भ जाइया, हाय हाय भ जाइया, और सखिया नो बुले वाली मोए दूला बदिए री बनाए बढ़िया भैया, और सखिया नो बुले वाली मोए दूला बदिए री बनाए भोली भैया, और सखिया नो बुले मेरे आंगन में पहुंचा, कहने लगा भाभी 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 बात क्या है, हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना, टीका न लगो न बांध ची तो दूल्हा। शिशुपाल कहने लगा भाभी तुम नहीं जानती हो, मेरे बहनों ने अपनी बहन की शादी मेरे साथ करने का निश्चय किया है। भाभी कहने लगी शायद खोपड़ी में कीड़ा तो नहीं है, तुम बहन की नंद के साथ शादी करने जा रहे हो। शिशुपाल कहने लगा भाभी तेरी भाभी आ जाएगी, हमें दूल्हा बना, इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा कि तेरे आंगन में दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुक्मिणी बहुत सुंदर है। भाभी सोचन लगी अब जब कछु और कहूंगी तो जो अटसट बकन लगेगो, सो बेचारी मोहल्ला में दौड़ पड़ी, 10-15 बिटरियां भाई मिल गई, और उन्हीं को ठाड़ो करके आंगन में नकटा को दूल्हा बनाने लगी। दूल्हा हाँ, दूल्हा जब बनाओ है ना, बड़े बड़े बुरे अशगुन भाई जब दूल्हा बनाओ शिशुपाल को, कैसे कैसे अशगुन भाई सुनो। सहरो धरो छीक वाई भारी, और पता कर पचो पाओ पटक लगी भारी, कर दे शोर गुलू बंद, कर दे शोर गुलू बंद, आगे की कथा कहे वो आधार, अब कर दे शोर गुलू बंद, घर में कितनी मोड़ी खड़ी सबन में ठंडा पड़िया, घर में कितनी दुनिया खड़ी के सबन में ठंडा पड़िया, आंगन में जितनी छोरी खड़ी सबन में ठट्टा परिया है, बिटरियां कान लगी बहना दूल्हा के तो वही गोड़ टूटन लगे जो दुल्हन कान है, एक कान में कान लगी अरे बहना दुल्हन तो बहुत दूर है, दूल्हा जिंदा चले आ तो खोसल मनाइयो।
कोई तो हंसन लगी। एकदम से धोती को पीस के शिशपाल कहने लगा, लड़की हंस रही है का? उन्हें तो चुनरिया दे रही मुंह में, कोई आंगन में थे भरी पारी। और भाभी को तो इतनी हंसी आई, आंगन में से निकली और घर में घुस के कोठला में मुड़ी दे के खूब हंसी। और जब निकली है ना तो उंगलियन में काजल ले आई काजल, और शिशपाल की आंखन में काजल देने लगी। बता तो सिर रहने आती हम जैसी होती तो दोनों ने फोरी पाती थी, एक बाजार जरूरी बंद कर दी थी। भाई नकटा बहनी थी नंदा के साथ ब्याह करे को जाहिर हो। जब काजल दिया उस चतुर शकी ने आंखों में, तो आंखन में एक विलक्षण असगुन देखा। काजल लागी देन भूप के नैन दिखा लो बट्टा, कछु थारी गाय रही गीत रे माचा रही बिटिया ठट्टा। हुई आओ ब्याह बहना हुई आओ ब्याह, जब ब्याह में ढंगना है गोनिया, जा में कछु होन हार है कानन में काती कानन में। अब भाभी बोली देवर एक बात सुना, कहा धरे दे मोहर उतार कहे आधारो धरे का गट्टा, बादुई दूल्हा एक नार परे गो लट्टा, बादुई दूल्हा एक नार परे गो लट्टा। बादुई दूल्हा एक नार परे गो लट्टा। हे देवर जी मोहर को उतार के रख दो, दो दूल्हा और एक दुल्हन बिना झगड़ा हुआ नहीं बचेगा। दौती को पीस के शिशपाल कहने लगा, भाभी तो मुझे दूल्हा बना रही हो और भाषण दे रही हो? भाभी कान लगी, देवर जी नाराज न हो। अरे देवर से कमानो हमारी, कमानो हमारी, कोई ना मिली है बारुक मिनी प्यारी। असुर अन्यायियों के जब तमंचे तीर चलते, तुम नहीं जानते देवर जी के कन्हैया की आदत क्या है। असुर अन्यायियों के जब तमंचे तीर चलते हैं, धर्म पे मरने को आधार सब जूने मचलते, धर्म पे मरने को आधार सब जूने मचलते। पतंगे किस लिए जा करके पावनों में मचलते, पतंगे किस लिए जा करके पावनों में मचलते, धर्म पे मरने को आधार सब सूने मचलते। Thank you.
किरने जाति मीरा के साथ हम धर्म पे चलते इसलिए हमारी बात मानो देवर जी रुक्मिणी तुम्हें नहीं मिलेगी भगवान श्याम सुंदर के सामने तुम रुक नहीं पाओगे सुन भाभी के बेन उठी तन में ज्वाला अब मेरो काकर पा नंद को अरे मेरी भवनबू हम तो सभी तरह कमजोर और जात पात में खबर है रो बागो दग में सो अरे वो ग्वाल गमारा हीर हमारा क्या करेगा तुम हमें दूल्हा बनाओ भाभी कहने लगी दूल्हा तो बना ही देती लेकिन दुल्हन आए चाहे बाहर में चली जाए तुम तो बच के न करे आइयो चिंता मत करो दूल्हा बना दिया भाभी ने शिशुपाल को फौजे सज गई सजे शूर शामंत वीर बलवंत रादो मन में कांधे पे धनुष बाण तेग हाथन में बल्लम भाला ढाल झुजीले हाल धरे हाथन में और झिलमिले तो पहने वस्त्र लगे न तन में इस तरह से फौजे सजन लगी और कैसे कैसे हाथी सज रहे हैं शिशुपाल की सेना में अरे कछु सज आए मगना हाथी अरे कछु सज आए मगना हाथी और चिंघारे धधकत छाती अरे चलने में भूम दहलाती जिन पे धूल पड़ी है गुजराती भंजन घोड़ा सजे और हरि रंजन जे सजे ततूरी बेनी मुस्की खंजन महाराज सजे सब काबुल और गंधार अब सोने के अलगा परे धूल है रेशम की दीदार सोने के अलगा परे ग्यारह अक्षौणी सेना अब शिशुपाल सजाए गई है यारो ग्यारह अक्षौणी सेना अब शिशुपाल सजाए गई है शिशुपाल सजाए गई है आज शिशुपाल ने सजाए गई है भैया ग्यारह अक्षौणी सेना अब शिशुपाल सजाए गई है इस तरह से नौजवान साथियों 11 छोनी सेना को सजा करके शिशुपाल आज चंदेरी से चलकर के कुंदनपुर में पहुंचा और इसने चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया इधर राजा भीष्मक ने जब सुना है कि मेरी लली को बिहाने के लिए मेरे बेटा का साला आया है हाय हाय आंखों से पट्टी बांध के ओंधा गिर पड़ा रुक्मिणी की मैया बेहोश हो गई और बंधु और रुक्मिणी बीच आंगन में बैठ के आज भगवान श्याम सुंदर की याद कर करके बिलखने लगी ये क्या हुआ श्याम सुंदर ओ मुरली बाले श्याम तो जा दासी रही बुलाई रे और भैया के साले ने हाय मेरा नगर घेर लाओ आई रे कन्हैया श्याम सुंदर आ जाओ अब मैं कहीं की नहीं रहूंगी अगर भैया को सालों मोह ले गयो बिलखने लगी लोगों चारों तरफ अंधेरियां नजर आ रही है और धरती में गफट जाइयो पाफिन कोई में जाए सवाई रे अब कौन सोत के फंदा में फंस के तुम्हारी लाइन ने ठुराई रे कन्हैया ले जाओ मेरे श्याम
ले जाओ, मैं मर जाऊंगी श्याम सुंदर, बिना तुम्हारे और किसी को अपना प्रिया नहीं बनाऊंगी। आंगन में सिसकने लगी है। कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया सीधा कराई रे। कन्हैया ले जा मुझे मेरे साम, ले जा मुझे। ओ आधार धर्म की नैया दीने पार लगाई रे। ओ राठौरु आज रुक्मिणी को दीने ठौर बनाई रे। कन्हैया ले जाओ मुझे मेरे श्याम, ले जाओ, बिना तुम्हारे में किसी की दुल्हन नहीं बनूं। धरती बगली भराई का घूसा छाती रही लगाई दे। और आज रुक्मिणी के रोबे में धरती गई दहलाई दे। बजैया श्याम तोय तेरी रानी चेरती है। ओ मुरली के बजैया श्याम तोय तेरी दुल्हन चेरती है। ओ बंसी के बजैया श्याम तोय तेरी दासी चेरती है। दासी तेरती है बात आंगन में रहती है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। मेरे नौजवानों, जब रुक्मिणी इस तरह से रोई है, भगवान की विलक्षण माया को उसी वक्त एक ब्राह्मण आ गया और उसने दरवाजे पर आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम देही। जो उसने आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही, रुक्मिणी की गर्दन ऊपर को उठ गई। और पंडित जी के लिए बड़ो सुंदर आसन डाल दियो। आंखन में आंसू भर के बोली, पंडित जी आज मेरे घर में तुम्हें रोटी और भिक्षा ना मिल सकेगी। क्यों? पंडित जी कहने लगे, आज तो तेरी शादी है और आज भी हमें भिक्षा नहीं मिलेगी, भला फिर कब मिलेगी? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरी शादी ना है, मेरी बर्बादी है। कैसी बर्बादी? तुम नहीं जानते हो, मेरे भैया को सालो दूल्हा बन के आओ। अब पंडित जी तुम ही बोलो, मैं भैया के साले के साथ में कैसे चली जाऊं? हाँ, पंडित जी कहने लगे, ये तो हिंदू परंपरा में कभी नहीं हुआ जो होने जा रहा है कि भैया का साला बहन की नंद को ले जाए। देखो तो पंडित जी सोई हो रहो, जो कबहू ना आए बहो। मगर तुम्हारे माता पिता की भी राय है? बिल्कुल नहीं। और पंडित जी एक बात और मैं कह रही हूं, चाहे मेरे शरीर की खाल उतर जाए, बिना उनके मैं किसी को अपना पिया नहीं बनाऊंगी। पंडित जी चौंक पड़े, बिना उनके? इसका मतलब तू चुनाव पहले कर चुकी है? कौन है तेरे दिल का राजा जिसके ऊपर तू इतनी दीवानी है? पंडित जी तुम खूब उन्हें जानते हो, भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण मेरे दिल के राजा हैं। है? पंडित जी चौंक पड़े, ओरी तूने भाई कब देखो है? भूतो इतने कबहू ना आयो। रुक्मिणी कहने लगी, हमने उन्हें खूब देखो है। कैसे देखो है, कहाँ देखो है, कब देखो है? तो कहा बोली रुक्मिणी, मैंने सपने में सैया को देखो है। सुनो पंडित जी, मैंने सपने में राजा को देखो है। सुनो पंडित जी, खुली आँख तो पेट भरे रोई। मेरे दिल में जुई परे को है। सुनो पंडित जी, मैंने सपने में सैया को देखो है। सुनो पंडित जी,
देखी देखी ओतरे की कछु बात यूं भाई है कछु कह तो ना आएगा सपने में तो रोए के बोली रुक्मिणी सुनो पंडित जी उन्ने कोमल कोमल हाथन सो और मोको कंठ लगाओ है कछु मीठे मीठे बोलन ते मुझे प्रेम भाव दरसाओ है पंडित जी खूब बात है भाई लेकिन जब निंदिया पे बदल टूट पड़े जब सोचने ना कछु हो दो कछु पे बता के जरूर जाते आलिंगन होना चाहता था तोल हो जान दिया टूट गई बन बन की किस्मत फूट गई आधार की बनिया छूट गई किस्मत फूट गई राठौर की बनिया छूट गई सिर्फ इतना ही कहा है उन्होंने कि तुम एक चिट्ठी भेज दीजो पंडित जी अब मेरा संदेश को ले जाए पंडित जी कहने लगे को ले जाए परसों तेरी भामरे पड़ेंगी और 750 को से दोहरे का अब माँ तो कोई पहुंचे या ना रुक्मिणी कान लगी ऐसो न करो पंडित जी तुम्हें कर रैया करे चले जा और तो हमारा कोई है ना घर में पंडित जी कान लगे वाह भाई बोले सोई साकर खोले हमें तो कुशल पूछ रहे हम चले जाए अरे हमारे शरीर में तो जान नहीं है और 750 कोस दौड़ का यातायात का कोई साधन नहीं है तो मैं कैसे चला जाऊं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा एकदम से रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी ये तुम नहीं जाओगे मेरे श्याम के पास तो मैं अपने पेट में छुरी मार के मर पंडित जी कहा ठे ठे मरे नहीं भाई चिट्ठी लिखता मैं लिए जाऊंगा मेरे नौजवान साथियों आज रुक्मिणी ने जो सुनी कि पंडित जी मेरा संदेश श्याम के पास पहुंचा देंगे कलम दबात कागज को लेकर के अपने हृदय सम्राट के लिए चिट्ठियां लिखने लगी चिट्ठी तो लिख रही है पंडित जी देख रहे हैं एक बूंद जो टपकती है आंसू की एक एक बूंद में पंडित जी ने देखा भगवान श्याम सुंदर का रूप नजर आ रहा था लेकिन ये अखियां और ना लिखन देती लिखो तो बहुत कुछ चाहते एक अच्छा लिख लेते आंसू टपक पत्र सुबह बिगड़ जा तो बने बहुत लिखो Thank you.
है।